स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आई एम कल्पना मिश्रा। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एडिशनल क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ आएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आंसर इज, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू? पेरेंट्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आंसर, रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों यूज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मींस स्पर्म और फीमेल गैमेट मींस एग, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें केवल क्या होते हैं, सिंगल पैरेंट्स होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आंसर, द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, यहाँ पर आप एग भी लिख सकते हो, एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग जो है फ्यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड? जब एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आपने चैप्टर अगर अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप आपको पता होगा कि एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या बनता है? जाइगोट। स्पर्म वन न्यूक्लियस और जो है इस तरीके से कुछ ऐसे स्पर्म और ये जो है एग, ये क्या होता है? यूनिन्यूक्लियस। दोनों एक न्यूक्लियस इसके पास है और एक न्यूक्लियस इसके पास है, एक न्यूक्लियस इसके पास है। जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये जो दो न्यूक्लियस है वो क्या बन जाता है? एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। तो जो सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एन एम्ब्रियो? एम्ब्रियो क्या है? तो पहले तो क्या हो, फ्यूज़न हुआ तो क्या बना? जाइगोट। जब वो जाइगोट डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। आंसर इज, व्हेन द जाइगोट डेवलप्स टू ए स्टेज दैट डिफरेंशिएशन इनटू द टिश्यूज इज अकॉम्प्लिश्ड, दिस स्टेज इज कॉल्ड एम्ब्रियो। मतलब ऐसी स्टेज जब टिश्यू की जो है वो स्टेज जिसमें हम उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, मींस उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है, ऐसी स्टेज को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? ये जो है आपने चैप्टर में टॉपिक था, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो वहीं से ये व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, कई बार इसका ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप ये भी चाहे नोट कर लेना, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IVF। तो फुल फॉर्म ऑफ IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आंसर, व्हेन फर्टिलाइजेशन इज अकर आउट इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन जो है लेबोरेटरी में होता है उसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स ये नेचुरल तरीके से नहीं होता है, इसको केमिकली तरीके से टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है फर्टिल, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है।
तो इसको आपको डायग्राम के साथ शो करना है। स्पर्म क्या है? ए स्पर्म इज़ ए वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत ही छोटे साइज का होता है एंड इज़ यूनी न्यूक्लियर। और ये क्या होता है? यूनी न्यूक्लियर होता है, मीन्स एक न्यूक्लियस होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ ए हेड, मिडल पीस एंड ए टेल। इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। यहाँ पे आप ये स्पर्म का डायग्राम देख सकते हो, आंसर के साथ डायग्राम जरूर बनाना है। ये हो गया इसका हेड, ये वाला पीस जो हो गया मिड पीस या मिडल पीस, और ये इसकी क्या हो गई, टेल। टेल जो होती है इसकी, इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 5 मार्क्स में आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स में आ जाता है कि क्या सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। आंसर देखते हैं हम, पहले कॉलम में सेक्सुअल एंड नेक्स्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अभी हमने थोड़ी देर पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स आर फॉर्म्ड। इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, पता है मेल में कौन सा होता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है, एग। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ह्यूमंस, फ्रॉग, बर्ड्स एक्सेट्रा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है अमीबा, हाइड्रा, स्पॉन्ज एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है, तो इसे आपने बहुत अच्छे से समझ के और नोट डाउन करना है। आप ये साथ के साथ नोट डाउन कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और या एक बार आप समझ लो उसके बाद नोट कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, फिर आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। एक बार आप पहले सारी वीडियो देख लिया करो, देखने के बाद आपको पता लग जाएगा हमारे कितने क्वेश्चन हैं और किस तरीके से किसमें मैंने क्या चीज़ समझाया हुआ है। और फिर उसके बाद आप वीडियो पॉज करके आप नोट करोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, साथ के साथ लर्न भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटस। फर्स्ट क्या था, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, फोटस। अब फोटस क्या होता है, व्हेन एम्ब्रियो स्टार्ट रिसेम्बलिंग ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड फोटस। जब एम्ब्रियो रिसेम्बलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स उसे सारे बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, पूरी तरीके से पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, मतलब उसको हम पूरी तरीके से पहचान सकते हैं, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, फोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर बेबीज प्रोड्यूस्ड थ्रू IVF टेक्निक। IVF टेक्निक के थ्रू बेबीज जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, व्हाट आर सच बेबीज कॉल्ड। इस तरीके से प्रोड्यूस बेबीज को क्या कहते हैं। नाउ एक्सप्लेन आंसर, IVF, आपको भी बताया था इसकी फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इज एन आर्टिफिशियल टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, आर्टिफिशियल टाइप है फर्टिलाइजेशन का। सम वोमेंस ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड एंड सो कैन नॉट बियर द बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग ऑफ द फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, कुछ वोमेंस में ओविडक्ट जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से वो बेबी को बेयर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज क्योंकि स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इन सच केसेस फ्रेश रिलीज्ड एग एंड स्पर्म आर कैप्ट टुगेदर फॉर आवर्स फॉर द IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इस केस में क्या होता है कि फ्रेश एग और फ्रेश स्पर्म लिया जाता है और उसको कुछ घंटों के लिए जो है एक मीडियम में रखा जाता है, मतलब बॉडी के बाहर। और फिर क्या होता है, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स जायगोट द फॉर्म इज अलाउड टू डेवलप फॉर ए वीक
एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। तो इस केस में जब थोड़े समय बाद या थोड़े दिनों बाद, थोड़े वीक बाद जब वो फर्टिलाइज हो जाता है और डेवलप हो जाता है, तो उसको जब जाइगोट बन जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, जो मदर के यूट्रस में उसको रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी अकर इन द यूट्रस एंड इट बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। और फिर ये जो बेबी होता है ये पूरी तरीके से यूट्रस में जो है नॉर्मल बेबी की तरह पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है और नॉर्मल बेबी की तरह इसका बर्न होता है। एंड द बेबी इज बॉर्न जब बॉर्न टू सॉरी थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी। इस मतलब टेक्निक के थ्रू जो जिन बेबी का बॉर्न होता है वो क्या होता है कि इस तरीके की बेबीज़ को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और अब ये आपके जो है एडिशनल क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने इस तरीके से इतना टाइम लगा के मैंने सारे वीडियोस बनाई हैं, स्लाइड्स के थ्रू बनाई हैं, ताकि आपको देखने में मज़ा आए, समझ में आए। मैंने हर एक क्वेश्चन को आंसर को एक्सप्लेन किया है। तो इतनी मेहनत का आपने क्या करना है, एक लाइक करना है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई, आपको समझ आया अच्छे से कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।